फर्स्ट क्वेश्चन है द पेज फॉर लिविंग हैज बीन रिटेन बाई, द पेज फॉर लिविंग लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ए कहता है जॉन लिक्सो के द्वारा, बी आर सी हचिनसन के द्वारा, सी महादेवी वर्मा और डी सत्यजीत राय के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक मैं बताता हूँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर सी हचिनसन के द्वारा द पेज फॉर लिविंग लिखा गया है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, इन द पेज फॉर लिविंग आर सी हचिनसन डिस्कसेज अबाउट, यानी इस लेसन द पेज फॉर लिविंग में आर सी हचिनसन डिस्कस करते हैं, किस बारे में डिस्कशन करते हैं, किस बारे में चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए कहता है द हैप्पीनेस ऑफ मैन, मानव की खुशी को एक्सप्लेन करते हैं। बी कहता है द प्लेजर ऑफ पीपुल, लोगों के आनंद को एक्सप्लेन करते हैं। सी है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक पुरुषों के दुख को ये करता है उस बारे में है। और डी कहता है द थ्रिल ऑफ मॉडर्न टाइम, इस आधुनिक समय के थ्रिल को एक्सप्लेन करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सही आंसर है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर होगा द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। थर्ड क्वेश्चन है आज का, इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर साए, यानी कि ये लेसन जो है द पेज फॉर लिविंग, इसमें ऑथर ने यानी लेखक ने देखा क्या देखा? ए कहता है फिल्म, बी प्ले, सी डांस, डी स्नेक। तो आपको पता है, जल्दी से आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि द पेज फॉर लिविंग में ऑथर ने लेखक ने क्या देखा था। तब तक मैं बताता हूँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्ले, यानी कि ऑथर ने प्ले देखा था, नाटक देखा था। फोर्थ क्वेश्चन है इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर साय प्ले इन, इसमें है कि द पेज फॉर लिविंग में ऑथर ने प्ले कहाँ देखा, नाटक कहाँ देखा? ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी डेनवर, सी डब्लिन और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑथर ने जो नाटक देखा वो कहाँ देखा, डब्लिन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द एसे द पेज फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन ए कार एट, द पेज फॉर लिविंग के जो ऑथर हैं वे कार में किस स्पीड से जाना उनको अच्छा लगता है? ऑप्शन ए है 90 माइल्स पर आवर, बी है 80 माइल्स पर आवर, सी 70 माइल्स पर आवर, डी 60 माइल्स पर आवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑथर को 90 माइल्स पर आवर किसी कार में जाना काफ़ी अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, द पेज फॉर लिविंग के जो ऑथर हैं वो कौन से ट्राइब से, कौन से जनजाति से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए एवरेज थिंकर्स मीन औसत विचारक, बी स्लो थिंकर यानी कि मंद विचारक, डी गुड थिंकर मीन अच्छे विचारक और डी कहता है फास्ट थिंकर यानी तीव्र विचारक के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑथर जो अपने आप को स्लो थिंकर के कैटेगरी में रखते हैं। सेवेंथ है द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ द पेज फॉर लिविंग वाज, द पेज फॉर लिविंग का जो मुख्य कैरेक्टर था वो कौन था? ऑप्शन ए एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक प्रौढ़ सा अनाज का व्यापारी, बी है ए यंग कॉर्न मर्चेंट, एक युवा अनाज का व्यापारी, सी फ्रूट सेलर फल विक्रेता और डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक वृद्ध सा एक प्रौढ़ सा अनाज का व्यापारी। क्वेश्चन नंबर एट है आर सी हचिनसन वाज, आर सी हचिनसन थे, ऑप्शन ए एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, एक अमेरिकी उपन्यासकार, बी ब्रिटिश नॉवलिस्ट अंग्रेजी उपन्यासकार, सी अमेरिकन पोएट अमेरिका के कवि और डी ब्रिटिश पोएट ब्रिटेन के मीन अंग्रेजी कवि, ये कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे आर सी हचिनसन। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, व्हाट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर एट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, वो कौन सी चीज़ है जो मानवों के लय को हर्ट करती है और अनचाहा सा दबाव पुरुषों महिलाओं और बच्चों पर डालती है? ऑप्शन ए है फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, पुरुषों का फास्ट मूवमेंट, बी कहता है फास्ट मूवमेंट ऑफ थिंग्स चीज़ों की फास्ट मूवमेंट तीव्र गति, सी फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं की फास्ट मूवमेंट और डी ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चीफ कैरेक्टर इन द पीस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग वाज फ्रॉम, इस लेसन द पेस फॉर लिविंग का जो मुख्य पात्र था वो कहाँ से था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश टाउन, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के टाउन से, शहर से, ब्रिटिश कंट्री, ऑप्शन बी ब्रिटिश कंट्री टाउन, सी आयरिश कंट्री टाउन एंड डी अमेरिकन टाउन। तो इसका सही आंसर होगा सी आयरिश कंट्री टाउन से था इस लेसन का मुख्य पात्र। आज का 11th क्वेश्चन देखते हैं, द चीफ कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग हैड मैनी एनेक्सीटीज एक्सेप्ट, जो उस लेसन का द पेस फॉर लिविंग में जो नाटक खेला गया था, जो नाटक राइटर ने देखा था, उसका मुख्य पात्र जो था वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था एक्सेप्ट, लेकिन किन कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी चिंता से नहीं घिरा हुआ था। ऑप्शन ए हिज हार्ट वाज डी की, उसका हृदय कमजोर था। ऑप्शन बी ही निफ्यू वाज चीटिंग, उसका निफ्यू भतीजा उसे चीट कर रहा था। सी हिज वाइफ वाज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैगेंट, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। और डी ही हैड ए डिसओबीडियंट सन, उसका एक बड़ा बिगड़ैल सा बेटा था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी, यह गलत चीज़ है क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था और यहाँ पर दिया गया है कि उसका एक डिसओबीडियंट सन था, यानी कि आज्ञा का विरोध करने वाला या फिर बिगड़ा हुआ उसका बेटा था, ये तो था ही नहीं। तो इसका सही आंसर ये होगा, बाकी तीनों कंडीशन उसके साथ थे, क्योंकि उसका हृदय भी कमजोर था, उसका नेफ्यू उसको चीट कर रहा था और पत्नी बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, तो ये सारे कंडीशन थे, ये मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 12 में, एज पर द एसे, मैंने एसे के अनुसार द पेस फॉर लिविंग लिविंग स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ, इस लेसन के अनुसार द पेस फॉर लिविंग जो है उसमें जो स्लो थिंकर्स हैं वो हैंडीकैप्ड है, बुरी तरह से टेरिबली हैंडीकैप्ड हैं, किस प्रकार के बिजनेस में। ऑप्शन ए कहता है गेटिंग टू सिंगिंग यानी गाना गाने में, बी कहता है गेटिंग टू डांसिंग यानी कि नाचने में, नृत्य करने में, सी है गेटिंग टू लिविंग जिंदा रहने में, जीवित रहने में, और डी गेटिंग टू प्लेइंग खेलने में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गेटिंग टू लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 13, वो कहता है एज पर द पेस फॉर लिविंग यानी कि द पेस फॉर लिविंग के अनुसार, ऑप्शन ए पीपुल लिव इन हैस्ट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है मीन लोग जो है जल्दी में जीते हैं, पीपुल आर इन हरी लोग जल्दबाजी में हैं, सी पीपुल थिंक फास्टर लोग तेज सोचते हैं, और डी ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, द पेस फॉर लिविंग इज, द पेस फॉर लिविंग है क्या है। ऑप्शन ए स्टोरी एक कहानी, बी एन ए सी एक निबंध, सी अ प्ले एक नाटक, और डी अ रिपोर्ट एक प्रतिवेदन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एन ए सी एक निबंध है यह लेसन। क्वेश्चन नंबर 15, इन द सिनेमा द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वाज, सिनेमा देखते समय इस लेसन के जो राइटर हैं, द पेस फॉर लिविंग के जो राइटर हैं वो थे, किस कंडीशन में थे। ऑप्शन ए इन फ्रस्ट्रेशन तनाव में थे, फ्रस्ट्रेशन गुस्से में थे, बी इन हैप्पी मूड खुश थे प्रसन्नचित थे, सी इन होपलेस फॉग एक निराशाजनक स्थिति में थे, और डी इन सैड मूड एक उदास स्थिति में थे, मानसिक स्थिति खराब थी या उदास थे कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इन होपलेस फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द कॉर्न मर्चेंट्स निफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग वाज, कॉर्न मर्चेंट का जो बेटा था इस नाटक में द पेस फॉर लिविंग में वो था क्या था। ऑप्शन ए सॉरी कॉर्न मर्चेंट का निफ्यू यानी भतीजा जो था वो क्या था। तो ऑप्शन ए लविंग बड़ा प्यारा था, बी केयरिंग देखभाल करने वाला था, सी चीटिंग चीट कर रहा था धोखा दे रहा था मर्चेंट को, और डी हेटिंग नफरत कर रहा था उससे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीटिंग यानी कि उसका नेफ्यू उस एल्डरली पर्सन का उससे चीट कर रहा था। 17th क्वेश्चन है एज फॉर द एसे द पेस फॉर लिविंग व्हाट हैज बिकम फास्ट। तो इस लेसन द पेस फॉर लिविंग के अनुसार वो कौन सी चीज़ है जो तेज हो गई है। ऑप्शन ए कहता है डांसिंग, बी सिंगिंग, सी ट्रैवलिंग, और डी रीडिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ट्रैवलिंग फास्ट हो गया है आज के दौर में।
क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, उस फिल्म में कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए 1, B 2, C 3, D 4। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 गर्ल्स थी उस मूवी में, 3 लड़कियां थी। लास्ट क्वेश्चन आज का 19th, एज पर द पेस फॉर लिविंग पीपुल नाउ थिंक डैश देन 30 years ago, यानी लेसन द पेस फॉर लिविंग के अनुसार आज के लोग आज से 30 साल पहले के लोगों से कैसे सोचते हैं उनकी अपेक्षा। ऑप्शन ए डी पर गहरा सोचते हैं, बी फास्टर तीव्र सोचते हैं, सी स्लोअर मंद सोचते हैं और डी सिंसरर सच्चे तरीके से सोचते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फास्टर सोचते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।